हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द पार्ट टू ऑफ क्वांटम नंबर्स, जो कि मैंने बताया था कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर अपना रहने वाला है और बेसिक कुछ फॉर्मूलाज है वो हम देखेंगे. तो आई थिंक ए और बी हमने दो क्वांटम नंबर्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. स्टार्टिंग विद आर नेक्स्ट क्वांटम नंबर विच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एक बार फिर से मैं याद दिला दूँ, इसके जो सिम्बल्स थे वो कौन से थे? एम और ML. ML क्या डिनोट कर रहा है कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? L पे डिपेंड करेगा, मतलब जो अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर था उस पे. तो पहले तो हम इसके बारे में वही एक पॉइंट लिख देते हैं. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल. ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में बताएगा ये, ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल के बारे में. तो ये चीज़ आ गई. अब हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो कैसे निकालते हैं वो अपन देखते हैं, बट पहले रेंज है m के वैल्यूज की. क्या है रेंज है वो हम लिख देते हैं कि m लाइज बिटवीन माइनस l टू प्लस l. ये किस पे डिपेंडेंसी आ गई? l के ऊपर. m हमेशा कहाँ से कहाँ लाया करेगा? माइनस l से लेके प्लस l के बीच में जो भी इंटीजर वैल्यूज आते हैं वो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करता हूँ s की, p की, d की और F की. यही मेरे क्या है, सब शेल्स हैं बेसिकली, जिनके लिए L का वैल्यू इन्हीं के लिए तो आता है. L का वैल्यू इनके लिए कितना है? 0, 1, 2, 3. तो अब M के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं वो हम देखते हैं. तो M कहाँ से कहाँ के बीच में लाया करेगा? माइनस L से प्लस L, माइनस 0 से प्लस 0, कुछ नहीं होता, मतलब 0 ही होगा. ये एक्चुअली M की वैल्यूज आ रही है, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको हम ढंग से लिखे तो दिस इज एक्चुअली गिविंग मी दी वैल्यूज ऑफ M. अभी हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बाद में निकालेंगे. यहाँ एक और मैं कॉलम बना देता हूँ. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m. तो इसके लिए नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m कितनी है? 1. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे? 1. p के लिए l का वैल्यू माइनस, मतलब l का वैल्यू 1 है, तो m कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा? माइनस 1 से प्लस 1, मतलब माइनस 1. फिर और कौन इंटीजर आता है बीच में? 0. और फिर कौन आएगा? प्लस 1. कितने हो गए ऑर्बिटल्स टोटल? 3. 3 हो गए ना, 1, 2, 3. ये इसके लिए क्या वैल्यूज हो जाएगी? -2, -1, 0, +1, +2. कितनी हो गई वैल्यूज टोटल? 5. तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे? 5. फिर इसके लिए वैल्यू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. कितनी हो गई वैल्यूज टोटल? 7. तो अगर अपन ढंग से देखें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज एक्चुअली इक्वल टू द फर्स्ट फोर ऑड नंबर्स, 1, 3, 5 एंड 7. तो यहाँ से एक हम फॉर्मूला बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, ये सबशेल्स है ना, इन अ सबशेल इज एक्चुअली इक्वल टू 2L+1. L की जगह 0 डालो, क्या आ गया? 1 आ गया. L की जगह 1 डालो, क्या आ गया? 3. मैथ्स वालों को तो पता होगा कि ऑड नंबर्स को ऐसे ही शो करते हैं, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 2 इज ऑलवेज इवन. तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 1 टू एन इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड. ठीक है, ये हो गया. L की जगह 2 डालो, 5 आ गया. L की जगह 3 डालो, कितना आ जाएगा? 7. एक सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इतने होते हैं. बेसिकली ऑर्बिटल्स को शो कैसे करते हैं? ऑर्बिटल्स को ऐसे शो करते हैं, बॉक्सेस की टर्म्स में भी शो कर सकते हैं और सर्कल्स की टर्म में भी शो कर सकते हैं. जैसे इसमें एक ऑर्बिटल है तो एक बॉक्स आ गया, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं तो 3 बॉक्स. आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रॉन फिल करते थे इसमें. इसमें 5 है तो कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे. और इसमें कितने आ जाएंगे? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है. अब एक चीज़ कॉमन है, चारों जो SPDF सबशेल्स हैं इन सब में एक m का वैल्यू हमेशा आ रहा है, 0, 0, 0, 0. तो बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ये अज्यूम किया गया है कि जो भी इसमें, तो चलो ये जो, जैसे ये एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अलग अलग वैल्यूज़ हैं. मतलब ये जैसे बॉक्स है, फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू -1 है, बीच वाले का वैल्यू 0 है, तो तीसरे वाले का +1 है. मतलब हर बॉक्स एक वैल्यू को बताता है जो भी यहाँ पे दी हुई है. तो फिलहाल यहाँ पे तो एक ही है, तो इसमें m का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0. और एक अजम्पशन है जो कि क्या माना गया है कि जो बीच वाला ऑर्बिटल है सब में, हर ऑड नंबर में सेंटर में कुछ ना कुछ होता है, उसको हमेशा m का वैल्यू गिवन है कितना? 0. m इक्वल्स टू 0 इज ऑलवेज असाइन टू द सेंटर मोस्ट ऑर्बिटल. बाकी हम नहीं बता सकते, हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारी बुक्स में ये गलत दिया हुआ है कि हम बता सकते हैं कि ये वाला -1 है, ये वाला +1 है. बिल्कुल कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि इन दोनों में से -1 वाला कौन सा है, +1 वाला कौन सा है. सिर्फ एक
बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है ये भी कि बीच वाले को हम हमेशा जीरो असाइन कर रहे हैं, वो भी एक अजम्पशन है जो कि हर बुक में मिलेगा तुमको। बट कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें गलत बोला हुआ है कि ये माइनस वन है, ये प्लस वन है, ये माइनस टू है, माइनस वन है, प्लस वन है, प्लस टू है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमेशा जो सेंटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसका वैल्यू जीरो होता है, बाकी ऑर्बिटल्स का किसका माइनस वन है, किसका प्लस वन है, किसका माइनस थ्री है, किसका प्लस टू है, ये हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर तो ये क्लियर हुआ। अब एक इसके जैसा एक फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना उसमें। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल लिख रहा हूँ इस बार में, सब शेल नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा हूँ, इन अ शेल इज ऑलवेज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों में डिफरेंस है, वो सब शेल में था, ये किसके अंदर है, शेल के अंदर है। तो अभी शेल में कैसे एन स्क्वायर आया वो हम देखते हैं। एन मतलब शेल नंबर हो गया, तो सब शेल मतलब सब शेल वाले फॉर्मूला से रिलेटेड है, शेल मतलब शेल वाले फॉर्मूला से रिलेटेड है। एक चीज़ तुमको ध्यान रखनी है कि जब भी एस लिखा हुआ होगा तो एक बॉक्स आएगा, जब भी पी लिखा हुआ होगा तो तीन बॉक्स आएंगे, डी होगा तो पाँच और एफ हुए तो सात। ये अपने को हमेशा ध्यान होना चाहिए। इसकी हेल्प से मैं ये वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन बताता हूँ कि हम एक एटम में कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे इस फॉर्मूला को, वो देखते हैं अभी अपन। एक एटम हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये मैंने शेल्स बना दी। अब तुम लोगों को याद हो तो फर्स्ट वाले में सिर्फ 1s होता था, तो मैं एक बॉक्स बना तो मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। सेकंड में 2s और 2p होता था, ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। 2p में कितने, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। थर्ड में कौन कौन होता था, 3s होता था, 3p होता था और फाइनली 3d होता था, है ना, d भी आता था, d में कितने आ जाएंगे, 5। और फोर्थ में क्या होता था, फोर्थ में अगर हम देखें तो 4s होता था, 4p होता था, 4d होता था और फाइनली कौन होता था, 4f। काउंट करो ज़रा, फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, फर्स्ट शेल में मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स गिन रहा हूँ, देखना कितने हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम शेल नंबर लिख देते हैं ऊपर, शेल नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, 1। सेकंड शेल में तुम देखो कितने आ रहे हैं, 1s के और 3p के, कितना, 4। थर्ड में कितने आ रहे हैं देखो, 1 + 3 + 5 मतलब 9। फोर्थ में चेक करो कितना आ रहा है, 1 + 3 + 5 + 7 दैट इज 16। ये हो गया ना 1 का स्क्वायर, ये हो गया ना 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर। हैंस कोई भी nth शेल में जाएंगे तो nth अगर शेल होता है तो उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, n स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब अपन बढ़ते हैं जो अपना फोर्थ क्वांटम नंबर है उसकी तरफ, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उससे नहीं निकला था, याद रखना ये चीज़, स्पिन क्वांटम नंबर। ये रिप्रेजेंट करते हैं अपन s से और इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ms। अब कौन रह गया, चौथा इलेक्ट्रॉन। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, अच्छा एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पास रोटेट होने के दो ही रास्ते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्वांटम नंबर में वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एस की मैं बात करूं तो इट कैन टेक ओनली टू वैल्यूज, प्लस हाफ और माइनस हाफ, और कोई वैल्यू नहीं हो सकता। बट अगेन मतलब ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताएगा। दो ही डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है ना इलेक्ट्रॉन, कहाँ कहाँ पर हो सकता है, एक तो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा कि क्लॉकवाइज प्लस हाफ है ऐसा ज़रूरी नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक डायरेक्शन प्लस हाफ है, अगर क्लॉकवाइज प्लस हाफ है तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ है। बट दोनों में से कौन क्लॉकवाइज है कौन एंटी क्लॉकवाइज है इसका कोई रूल नहीं है। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी कि अभी हम इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे। पहले हमने क्या लिया, शेल निकाला, फिर हमने सब शेल बताया और हमने उसके बाद ये बताया कि सब शेल कितने होते हैं एक शेल में। फिर हमने ऑर्बिटल पढ़ा, हम और अंदर आए, फिर हमने ये देखा कि सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं और शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं। सिमिलरली अब हम देखेंगे लास्ट जो अपना है इलेक्ट्रॉन, कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके हैं, वो अपन देख लेते हैं। एक तरीका होता है अपना ये, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये मैं आगे लिखवाता हूँ। एक
टॉप टॉप की तरफ अगर बता रहा है, दूसरा बॉटम की तरफ बताएगा। ये दोनों हाफ हेडेड एरो हैं। ये मेरे को क्या बता रहे हैं कि एक का डायरेक्शन अगर प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ होगा। लेकिन अगेन ये प्लस हाफ है, ये माइनस हाफ है, ऐसा कोई रूल नहीं है। एक तो ये तरीका होता है और एक ये तरीका होता है, ठीक है। एक बेसिक रूल होता है कि ये भी आगे एक रूल आएगा अपना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। मतलब एक प्लस हाफ वाला होगा, एक ऊपर पॉइंट करेगा, एक नीचे पॉइंट करेगा। कभी भी दोनों ऊपर या दोनों नीचे अगर पॉइंट कर रहे हैं तो दैट इज रॉन्ग, वो बाय रूल्स दैट इज रॉन्ग। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दोनों का स्पिन ऑपोजिट होना चाहिए। अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है स्पिन क्वांटम नंबर पर, वो देखते हैं अभी अपन। लास्ट पार्ट जो अपना इस लेक्चर का है, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो वो देख लेते हैं अपन पहले। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कितने हो सकते हैं, दो। अच्छा, अब बाकी फॉर्मूलाज बहुत ईजी हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कितने होंगे, मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं ये लिख दो 2l+1, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 × 2l+1 हो जाएंगे ना, क्योंकि एक ये सब जो है ये एक्चुअली मैं लिखूं ढंग से तो मैक्सिमम है। मिनिमम तो क्या हो सकता है, एक ऑर्बिटल में तीन पॉसिबिलिटीज़ है, या तो दो इलेक्ट्रॉन हो, या एक इलेक्ट्रॉन हो, या एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, दो। एक सबशेल में अगर इतने ऑर्बिटल्स हैं और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ ना 2 × 2l+1 हो जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक टॉपिक आएगा जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी एटम में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग का, n(l)e। तो अगर मैं s की बात करूं तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मैं बोल सकता हूं l को जीरो रख देता हूं मैं, ये इधर, चलो इधर लिख देते हैं अपन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब इन एस सबशेल कितने हो जाएंगे, एल का वैल्यू क्या होता है जीरो, तो 2 × 0+1 कितना आ गया, 2। सिमिलरली मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पी सबशेल 2 × 2+1 दैट इज 3 कितना हो जाएगा, 6। फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डी सबशेल क्या हो जाएगा, 2 × 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5 कितने हो जाएंगे, 10। सिमिलरली एफ कितने हो जाएंगे, 2 × 7 दैट इज 14। तो बेसिकली उसके अंदर जो शेल्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स थे वो कितने थे, 1, 3, 5, 7, उसको डबल कर लो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दो। ये आ गया 2, 6, 10, 14। तो अगर इस तरीके से हम लिखें तो s की पावर में हमेशा क्या आएगा, 2। n को छोड़ो, n तो अभी कोई भी शेल नंबर हो सकता है, e नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है। p की पावर में हमेशा क्या आता है, 6। d की पावर में हमेशा क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने, 10। और f की पावर में कितना आ सकता है, 14। ये मैक्सिमम है, मिनिमम इससे कम हो सकता है। जैसे s की पावर में 1 आ सकता है, s की पावर में 0 आ सकता है, p की पावर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेके 10, 1 से लेके 14। ये क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सबशेल हो गया, अब किसकी बारी, शेल की बारी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, ऑर्बिटल्स कितने होते थे एक शेल में, n2, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 × n2। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं सेकंड शेल की बात, या थर्ड शेल की बात करता हूँ मैं। थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये देखते हैं अपन। थर्ड शेल में सब शेल कौन कौन सी आती है, 3s, 3p, 3d। ये हो गया। s में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, कितने, 2, 6, 10। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 2 + 6 + 10 दैट इज 18। और अगर मैं इस फॉर्मूला से जाऊँ तो 2 × क्या हो जाएगा, 3² कितना आ गया, ये भी 18। हैंस द फॉर्मूला इज जस्टिफाइड। आई होप ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, और सिर्फ इस चैप्टर में नहीं पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ये सब काम आने वाला है, तो ये इसीलिए ध्यान रखना। ये हो गया। एक और आता है, जैसे अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, फॉर्मूला बिल्कुल उसका एल वाला ही है, बस एल की जगह एस लगा देना, h/2π। एस का वैल्यू क्या हो सकता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ठीक है। जनरली प्लस हाफ ही लेते हैं, क्योंकि अगर मैं माइनस हाफ लूँगा तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इसलिए प्लस हाफ लेते हैं। एक और छोटा सा फॉर्मूला है, टोटल स्पिन इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। एक और रूल हुआ करता था, हुंड्स रूल, वो भी अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसमें क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉन जब अपन शेल, एक ही ऑर्बिटल के अंदर जो
एक ही सबशेल के अंदर जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते थे तो हमेशा पेयरिंग अपन बाद में करते थे, पहले सब में मिनिमम एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे D8, D की पावर में 8 है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो सब में पहले अपन एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बढ़ते हैं और फिर क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। 3 बच गए ना, और एक आ जाएगा इधर, एक आ जाएगा इधर, एक इधर आ जाएगा। तो अगर मैं टोटल स्पिन की बात करूँ, टोटल स्पिन का मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया ना आप लोगों को, क्या होता है, प्लस माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। चेक कर लो, प्लस माइनस हाफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं, ये तीनों तो पेयर हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सिंगल हैं ऑर्बिटल में, एक और दो, कितना आ गया वैल्यू, तो कितना आ गया वैल्यू, प्लस माइनस 1, या तो प्लस 1, मतलब इसका मीनिंग क्या है, प्लस 1 और माइनस 1, डिपेंड करता है कि हम किसको प्लस हाफ गिनते हैं किसको माइनस हाफ। अब मैं लॉजिकली कैलकुलेट करता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इसके लिए एस का वैल्यू प्लस हाफ है, कोई रूल नहीं है बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और इसके लिए एस का वैल्यू क्या है, माइनस हाफ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि टोटल स्पिन का मतलब क्या हो गया कि ये जो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स है ये मिला के कितना स्पिन जनरेट करेंगे, इसमें प्लस हाफ वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, तो कितना हो गया, 5 इंटू प्लस हाफ, ठीक है। और टोटल स्पिन में ऐड करेंगे अपन, बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीनों का स्पिन क्या है, माइनस हाफ, देखो कितना आ गया, 5/2 माइनस 3/2, कितना आ गया ये, प्लस 1। अच्छा अगर मैं उल्टा अज्यूम करता, अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, माइनस हाफ, और इसको क्या मान लेते हैं, प्लस हाफ, तो मैं बोल सकता हूँ कि टोटल स्पिन के फॉर्मूला में क्या होता, सिर्फ एक छोटा सा चेंज आता कि ये जो 5 इंटू प्लस हाफ हुआ इसकी जगह 5 इंटू माइनस हाफ होता और 3 इंटू प्लस हाफ हो जाता, तो ये कितना आता, माइनस 5/2 प्लस 3/2, वैल्यू कितना आ गया इसका, माइनस 1, तो आ गया ना माइनस 1 और प्लस 1। तो इसीलिए ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, बस एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, इट्स कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल वो एंगुलर मोमेंटम था, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला के नई नई करके मिनिमम 5 चैप्टर्स में काम आने वाला है, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। अभी म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज एक्चुअली इक्वल टू, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, रूट इंटू एन एन प्लस 2। बट ये डिफिकल्ट क्यों रहता है हमेशा याद करने के लिए, क्योंकि अभी अपन ने दो फॉर्मूलाज देखे थे, एल इंटू एल प्लस 1, एस इंटू एस प्लस 1, तो वहाँ अपनी हैबिट क्या है, प्लस 1 प्लस 1 याद करने की, यहाँ लेकिन क्या आता है इसके अंदर, प्लस 2। अच्छा एन शेल नंबर नहीं होता है, एन हियर इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना। एन मेरा क्या बता रहा है, ये जो अभी तुमने यहाँ पे निकाला ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर म्यू 0 आता है, दिस मीन्स के म्यू का वैल्यू अगर 0 आता है तो कंपाउंड और द सब्सटेंस इज कॉल्ड, दो नए वर्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, डायमैग्नेटिक। और अगर म्यू का वैल्यू नॉन 0 आता है तो मतलब उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। अच्छा म्यू 0 एक ही केस में आ सकता है जब एन का वैल्यू 0, क्योंकि एन नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता, तो कोई भी चीज़ अगर ऐड होगी तो वो तो वैल्यू बढ़ाएगी। एक ही केस में म्यू का वैल्यू 0 आएगा जब एन का वैल्यू क्या हो, 0, मतलब जो डायमैग्नेटिक है उसके लिए एन का वैल्यू 0 होता है, और इसके लिए मतलब जिस भी मॉलिक्यूल में या एटम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो डायमैग्नेटिक होगा, या मैं बोलूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे वो डायमैग्नेटिक, और अगर एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। इसका यूनिट देख लेना तुम, यूनिट ऑफ म्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ म्यू शॉर्ट में इसको बोला जाता है BM, और एक्चुअली इसका नाम होता है बोर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, BM चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और म्यू का ये फॉर्मूला और ये सारे फॉर्मूलाज और जितने भी क्वांटम नंबर्स में अपन ने लास्ट लेक्चर में और इस लेक्चर में फॉर्मूलाज किए हैं उन सबको एक टेबुलर फॉर्म में लिख के पूरा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, थैंक यू।